मुसीबत के लिए दुआ खुदा तेरे पाक लहू की कुदरत तेरे बंदा पर मांगता हूँ खुदा पाक रू की गाइडनेस मांगता हूँ खुदा यीशु के नाम से। आज तेरा बंदा जो भी खुदा तेरे कलाम में से हमें सिखाए खुदावंद, हम उस कलाम को अपने दिलों की तख्तियों पर लिखें और तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में कायम करें, ताकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न कर। खुदावंद पाक खुदा यीशु के नाम से हमें मजबूत कर खुदावंद पाक, रू की गहरी हजूरी हमारे खुदावंद बदनों पर ठहर जाए, हमारे दिलों पर ठहर जाए खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद तेरे खादम पर तेरी हजूरी ठहर जाए खुदा खुदा, आज अपने रूह के वसीला से कसरत से इस्तेमाल करना। यीशु नासरी के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू ब्रदर फ्रोबल। शशि गुप्ता, यस, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आई एम हियर। जी कैसे हैं आप? सुस्ता ठीक है? जी हाँ जी, ठीक, शुक्र है खुदा उनका। मेरी रिक्वेस्ट है जितने कैमरे ऑफ हैं वो काइंडली अपने कैमरे ऑन कर लें। आई जिनको कोई रिक्वेस्ट दैट। इशू है कैमरे से वो मास्क लगा सकते हैं, मास्क लगा के ऑन कर लें, कोई इशू नहीं है। और अपने माइक्स मैसेज के दरमियान प्लीज आप बंद रखिएगा, और हमारे दरमियान पास्टर जोसेफ हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो फिर से दोबारा से हमारे दरमियान मौजूद हैं। We are very much thankful to you for Brother Joseph, who is again with us. We welcome him, and we are very thankful to God for his presence. And yes. और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जितनी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो आप चैट बॉक्स में मैसेज के दरमियान लिख सकते हैं। And I request that everyone who has any prayer request, they can write it in the chat box so that at the end of the meeting, Pastor will see it and pray for every request. खुदावंत की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादम के लिए जो अपना कीमती वक्त निकालते हैं ताकि हम तक तो खुदा का गुलाम पहुंच सके। खुदावंत We are thankful to God for the man of God, Pastor Stewart, that he takes out his precious time for every one of us. So that we can hear the word of God. हम सब अपने माइक ऑन करेंगे और खुदा के कलाम को और खुदा के खादिमों को अपनी तालियों के साथ वेलकम करेंगे। गॉड Welcome ब्लेस यू everybody. एवरीवन। आप अपने कैमरे ऑन रखें और अपने माइक बंद कर लें। मेरी रिक्वेस्ट है खुदा के खादम पास्टर स्टीवर्ट से कि वो खुदा के कलाम को शेयर करें। Okay, Pastor Stewart, we welcome you, and you please share the word of God with all of us. Well, welcome everybody. It's nice to be with you again today. सबको खुश आमदीद, और एक बार फिर मुझे बड़ी खुशी है आप सबके साथ मिलकर। I wonder if we can give Pastor Joseph 5 minutes or something just to give us a report of his trip. मेरा ख्याल है कि हम 5 मिनट ब्रदर जोसेफ को देंगे ताकि वो अपने ट्रिप के बारे में कुछ हमें बता सकें। Would you do that for us, Pastor Joseph? यस, सलाम सलाम जी। सलाम। सलाम जी, सलाम। आई वाज सो हैप्पी टू मीट पाई फ्रोबल एंड पास्टर क्वासाम एंड सम ऑफ द फैमिलीज इन बैंकॉक। वाज अ ग्रेट प्रिविलेज। एज आई टोल्ड हिम, इट वाज सो सैड नॉट टू बी एबल टू विजिट पास्टर रफीक बिकॉज द रूल्स इन पाकिस्तान, आई मीन इन थाईलैंड, इज सो इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दे मेक इट सो हार्ड, बट to visit. Actually, they don't allow any foreigners to visit. But I talked with the Brother Joseph, lawyer. excuse me. So, okay, you can translate. Yes, Excuse it me, was a Brother privilege. Joseph. I've Please, been to the prison. I've been two times yeah. to try to visit Pastor Rafiq, but I couldn't visit. You can translate. Yeah. ब्रदर जोसेफ कह रहे हैं कि मैं खुदावंद का शुक्र गुजार हूँ कि मैं अपने ट्रिप पर गया और वापस आया, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं थाईलैंड गया लेकिन मैं पास्टर रफीक को विजिट नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने काफी मुश्किल बना दी हुई है, और अभी वो जो विजिट्स हैं और जो उनके साथ मिलना है वो बिल्कुल मना किया हुआ है, तो मैं फॉरनर्स को अलाउ नहीं करते, इस वजह से मैं फिर नहीं मिल पाया उनको।
like in most of our countries, you can just go to visit, but Thailand have very complicated rules to visit. Mostly countries में ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं तो आप उन लोगों को मिल सकते हैं अगर कोई कैद में है तो, लेकिन थाईलैंड ने इसको बहुत मुश्किल बनाया हुआ है. मैं पास्टर जो पास्टर रफीक को नहीं मिल पाया. You must make a copy of your passport and visa and you apply and then it takes about 1 month before they give you permission. So you need to wait 1 month before they give you permission. एक महीना पहले आपको अपना पासपोर्ट और अपना आईडी वगैरह सब जमा करवाना पड़ता है और उसके बाद एक महीने का प्रोसेस है, लग जाता है आपको अपने अजीज से मिलने के लिए. Yeah, but the lawyer said he's going well with Pastor Rafiq. He's positive. So we must just keep on praying for him. That's all we can do, that the case will soon be completed. But he said it will take a lot of time, but he's in good spirit, Pastor Rafiq. We should just keep on praying for him. लेकिन उनका लॉयर मुझे मिला था और उसने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और हमें सिर्फ उनके लिए दुआओं को जारी रखना चाहिए. केस उनके हक में है और वो जल्द ही रिलीज हो जाएंगे और हमारे साथ होंगे, इसलिए हम उनके लिए दुआ करते रहें. Thank you, bye, Frobel. Thank you, everybody. God bless you. आपका भाई फ्रोबल और सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया. I just have one question, Brother Joseph. You said it was going to take some time. Did he give you any kind of time frame? Actually, because the case is actually a very serious case. पास्टर स्टुअर्ट ने पूछा है कि क्या आपको कुछ टाइम मिला उनसे मुलाकात के लिए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये चूंकि काफी सीरियस केस था इस वजह से. So the lawyer say the next appearance of Pastor Rafiq will only be in 3 months time. और जो उनकी नेक्स्ट हियरिंग है वो 3 महीने के बाद है, तो फिर उनसे मुलाकात थोड़ी मुश्किल थी. So he will still be in prison for 3 months. तो हमें 3 महीने वेट करना पड़ेगा. But then that will not yet be finished, but that it will take at least a year when the it will take at least a year for the case to be finished. लेकिन अभी भी तो भी वो उनका मामला इतनी जल्दी सुधरेगा नहीं, तकरीबन 1 साल लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में. So we just pray, we just pray for Pastor Rafiq. Is there a chance he can get out at the end of the 3 months? The lawyer say only if the case go favorable. So he don't know. It's actually Pastor Rafiq and another lady, they're actually both in prison. Actually, the lady that make a case, she's also in prison. She's on the woman's side and he's on the men's side prison. Okay. Yeah. Well, thank you very much, Brother Joseph, for that report. Thank you very much. And we bless that you had a great trip there and that you touched many people. हमारा ईमान है कि आपका ट्रिप बहुत अच्छा रहा होगा और बहुत से लोगों को छूने का और उनको खुदावन के नजदीक लाने का बाइस बने होंगे. So if you have your Bibles with you, last week we started in on the book of Acts. We finished the book of John. अगर आप सबके पास आपकी बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो आपको याद होगा कि हमने यूहन्ना की अंजील खत्म की थी और अभी हम रसूलों के अमाल की तरफ हैं. We didn't get very far into chapter 1, so we're in chapter 1, starting at verse 4 today. हम बहुत ज्यादा आगे नहीं गए हैं, इसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत तक हैं, आज हम वहां से शुरू करेंगे. Sister, if you could read verse 4 and verse 5, please. तो हम पढ़ेंगे इसकी चौथी और पांचवी आयत और कलामे मुकद्दस में यूं मरकूम है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूल कुछ से बपतिस्मा पाओगे. आमीन. Amen. Now, obviously, I don't know any of you personally where I've sat down and talked with you. मैं खुद नहीं जानता है कि मैंने इसे आपसे कब बात की. So I don't know where you sit on this subject because this is a very controversial subject in the church. Churches में ये बहुत ही ज़्यादा ज़ेरे बहस ये मज़मून रहा है. और इसके बारे में हम बात करेंगे.
But this is something that I love to speak about. ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में मुझे अच्छा लगता है बात करके. And I'm going to give you my understanding in this subject. और इस मज़मून पर जो मेरी समझ के मुताबिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. If your understanding is different, हो सकता है आपकी सोच मुझसे कुछ मुख्तलिफ हो. I would ask you to do what I oftentimes do. मैं शायद आपसे वही करने को कहूंगा जो मैं करता हूँ. If somebody presents something different than the way I understand it, अगर कोई कुछ मुझसे मुख्तलिफ काम करता है जो मेरी समझ है उससे थोड़ा हटके कोई काम करता है, I go lock myself into my office and I grab my Bible and I go and I re-study that subject. तो फिर जरूर मैं अपने आप को कमरे में बंद करूंगा और दोबारा से इन आयात पर गौर करूंगा, इन्हें पढ़ूंगा और फिर इनको समझूंगा. Going through different translations, looking up the Greek and the Hebrew, whatever. मैं इसको इब्रानी जुबान में और यूनानी जुबान में दोनों जुबानों में तर्जमा पढ़ूंगा और फिर इस पर खूब गौर और ज्ञान और ध्यान करूंगा. If you remember the Bereans later on in the book of Acts, Paul commended them. अगर आपको याद हो कि अमाल की किताब में जितने भी हुक्म दिए गए, because they didn't just believe everything they heard, but they went back to the scriptures and they studied the things that they've heard. तो जो उलमा थे वो सिर्फ वही तालीम नहीं देते थे जो कुछ उन्होंने सुना था, बल्कि वो दोबारा शरीयत की किताब को खोलते और उसको पढ़ते और जांचते थे और फिर बयान करते थे. So here we're talking about the baptism of the Holy Spirit. अभी यहाँ पर हम पाक रूह के बपतिस्मे के बारे में बात करेंगे. And the receiving of the Holy Spirit. और पाक रूह को के नजूल की बात करेंगे. Now I want to answer this through a lot of in the book of John where we already studied it. जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं उसके हवाले से रोशनी में मैं इसको बयान करूंगा. And the first scripture I want to talk about is in John 14. पहली बात जो मैंने बयान की वो यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब में थी. And Jesus is speaking there to his disciples. और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात करते हैं. And he says to them, और वो उनसे कहते हैं, that soon you will have the Holy Spirit in you. और वो कहते हैं कि बहुत जल्द तुम पाक रूह तुम्हारे अंदर होगा. You don't have the Holy Spirit in you now, but soon you will. अभी तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा. Because he said the Holy Spirit is working around them, but he's not yet in them. क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारे इर्द-गिर्द पाक रूह है, लेकिन अभी तक तुम्हारे अंदर नहीं है. Then in John 20, we find that Jesus came and met with the disciples the night he rose from the grave. हमने 20वें बाब में पढ़ा कि जब खुदावंद यीशु मसीह जिस रात उन्होंने सलीब पर चढ़ाए जाना था उस रात वो उनके साथ मौजूद थे. And there were 10 of those disciples in that room at that time. और 10 जो शागिर्द थे वो उस वक्त उनके साथ थे. And it tells us there that Jesus breathed into them the Holy Spirit. और हमने पढ़ा कि खुदा We lost our translator. Shagufta, are you there? Oh, we lost our translator. Is Angel beta aap hai idhar? Ji ji. Ji aap karo tab tak. Okay. Hello Angel. Can you help us? Hello, Pastor. Yeah, sure. So, when the 10 were in that room, Jesus came to them and breathed into them the Holy Spirit. और जब खुदावंद यीशु मसीह वहां आए उस कमरे में तो उन्होंने वो उनका जो पाक रूह था उन पे. And in doing that, this was the first people that had received the Holy Spirit into them. और ये पहले लोग थे जिन्होंने पाक रूह को अपने अंदर लिया था.
So this was the day of the beginning of counting the 50 days to Passover or to Pentecost. और यहां से 15 दिन के बाद जो पेंटिकॉस्ट का दिन था वो शुरू हुआ. So those 10 that were in that room received the Holy Spirit into them. So जो 10 लोग वहां मौजूद थे उन्होंने उसको रिसीव किया अपने अंदर. But they had not received the power of the Holy Spirit. लेकिन अभी तक उन्हें वो कुव्वत नहीं मिली थी. This is what Jesus is telling them here in verse 4. तो यहाँ पहली चार आयत चौथी आयत में भी खुदा यीशु मसीह हमें यही बता रहे हैं. He's saying, "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my Father promised, which you have heard me speak about." उन्होंने कहा कि तुम यरूशलेम से बाहर ना जाना क्योंकि अभी बाप के वादा के पूरा होने का इंतजार करना. He said, "John baptized with water, but soon you will be baptized with the Holy Spirit." उन्होंने कहा कि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया मगर थोड़े दिनों के बाद ही तुम रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे. So the word baptism means to be totally immersed. तो जो बपतिस्मा का मतलब है वो है totally डूब जाना. So he's saying that the power of the Holy Spirit is going to totally overcome you. इसका मतलब है कि पाकरू की कुव्वत जो है वो आपको मुकम्मल तौर पर घेर लेगी. And, you know, of course, when we get to Acts chapter 2, we're going to see what happened when the Holy Spirit came upon them. और दूसरे बाब में हम जरूर सीखेंगे कि क्या हुआ जब पाकरू उन्होंने उन पर नाजिल हुआ तो किस तरह से वो टोटली चेंज हुए. They started speaking in tongues. उन्होंने मुख्तलिफ जुबानें बोलना शुरू कर दी. And they gained an understanding and knowledge of Jesus that they did not have before that. और उससे पहले जो समझ उनको नहीं थी होली स्पिरिट के बारे में वो उस वक्त उन्होंने महसूस की. Remember, 10 days before, they're asking Jesus, "When are you coming to establish your kingdom on earth here?" याद रखें इससे पहले ही वो यीशु से पूछ रहे थे कि तू कब जो अपनी बादशाहत है उसको कायम करने के लिए आएगा. They were still looking for a physical kingdom. They were looking for Jesus to overcome the Roman occupation. याद रखें वो एक जिस्मानी किंगडम की बात कर रहे थे. वो चाहते थे कि रोमी हुकूमत खत्म हो और खुदा अपनी बादशाहत को जाहिर करे. But we know that that's not what Jesus was about. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात नहीं कर रहे थे. We know because we have the word and we have the Holy Spirit in us, right? हम इसलिए जानते और समझते हैं क्योंकि आज हमारे पास पाक रूह है, हमारे पास खुदा का कलाम है. So even though these 10 received the Holy Spirit on the day of Reshit, अभी हत्ता के ये 10 लोग जिन्होंने पाक रूह को कबूल नज़ूल का तजर्बा हासिल किया है, they did not have the power of the Holy Spirit working in them until the day of Pentecost. अभी तक पाकरू की कुव्वत ने उनके अंदर काम शुरू नहीं किया हत्ता के पेंटिकोस्ट का दिन आना जाए. Now this is an important thing for us to understand. ये हमारे लिए समझने के लिए बहुत ही जरूरी बात है. And there's a lot of confusion out there on what it, you know, on this subject. इस मज़मून पर समझने के लिए बहुत कुछ है और मेरा ख्याल है कि अभी हमें इसको मज़ीद पढ़ना है और समझना है. Some people say if you don't have the power of the Holy Spirit and speaking in tongues, then you're not saved. कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपके पास पाकरू की कुव्वत नहीं और आपके पास मुख्तलिफ जुबानें बोलने का तजर्बा नहीं तो फिर आप अभी तक निजात याफ्ता नहीं हैं. Other people say, no, when you get saved, then you receive the Holy Spirit. दूसरों का कहना है कि नहीं, जब आप निजात याफ्ता हो जाते हैं फिर आपको पाकरू मिलता है. But I think by looking at what happened with the disciples, we can come to an understanding on this subject. मेरा ख्याल है कि रसूलों के साथ जो कुछ हुआ अगर हम उसको देख लें, पढ़ लें कलाम के मुताबिक तो फिर हम इस मज़मून को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. I believe when we accept Jesus into our heart, मेरा ईमान है कि जब हम यीशु को अपने दिलों में कबूल करते हैं, we become a new creation, like it says in 2 Corinthians 5:17.
तो हम एक नई मखलूक बन जाते हैं, जैसा करंथियों के दूसरे खत में उसके पांचवें बाब की 17वीं आयत में मरकूम है. When we become that new creation, the sin nature is taken out of us and nailed to the cross. जब हम उसको कबूल करते हैं तो एक नई मखलूक बन जाते हैं और हमारी जो पुरानी इंसानियत है वो उसके साथ ही मसलूब हो जाती है. And we have a new spirit that's put in us. और फिर हमें एक नई रूह दी जाती है. And the Holy Spirit comes and abides in us. तो फिर पाक रूह आता है और हमारे अंदर रच बस जाता है. This is what happened to the disciples on the day of Reshit that night. और यही हुआ उन रसूलों के साथ भी जिस रात उन्होंने पाकरू को कबूल पाकरू को अपने अंदर लिया. And this is what Jesus said to the disciples in John 14, soon the Holy Spirit will be in you. और यही वो बात है जो यीशु ने अपने शागिर्दों से कही कि बहुत जल्द तुम्हें पाकरू दिया जाएगा, अभी जो तुम्हारे इर्द गिर्द है वो तुम्हारे अंदर होगा. Now he is around you, but soon he will be in you. अभी वो तुम्हारे इर्द गिर्द है, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा. So that is when they were born again. They could not be born again before that because Jesus hadn't gone to the cross and the grave and was resurrected. क्यों ये अभी तक नई पैदाइश का तजुर्बा उन्होंने नहीं किया था क्योंकि खुदा यीशु मसीह अभी तक मसलूब नहीं किए गए थे और वो तीसरे दिन जी उठे थे. On that day of Reshit, when Jesus came down and breathed into those disciples, I think there must have been a huge celebration in heaven. मेरा ख्याल है कि जब वो उनके ऊपर पाक रूप फूंका खुदा यीशु मसीह ने, तो वो दिन उनके लिए एक बहुत बड़े जश्न का दिन होगा. Here are the first ones that are saved by the Messiah. ये वो पहले लोग थे जो खुदा यीशु मसीह के वसीले बचाए गए. The first ones who became the children of God, who became Christians, right? ये वो लोग थे जो इब्तदाई कलीसिया थी, ये पहले 10 लोग और फिर ये खुदा के बच्चे बने. So there must have been a huge celebration. I can't imagine what it was like. तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़े जश्न की बात होगी और मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि कितनी बड़ी खुशी उन्होंने मनाई होगी. But we know that that was not the end for them. लेकिन वो जानते थे कि यही आखिरी बात नहीं थी, ये सिर्फ सब कुछ यही नहीं था. You remember when we studied John 21 that they had gone back to the Galilee to go fishing because they didn't know what to do. हमने यूहन्ना की अंजील में सीखा कि वो जब खुदा यीशु मसीह मसलूब हो गए और वो उन्होंने ये लोग सब वापस गलील की तरफ चले गए और दोबारा वो मछलियां पकड़ना शुरू हो गए, अपने काम कारोबार में लग गए. They did not understand what they had received when God, when Jesus breathed into them the Holy Spirit. वो समझ ही नहीं पाए कि वो क्या था जो खुदा ने यीशु ने उनके ऊपर फूंका था, अपना पाक रूह जो है, अपना दम जो फूंका था उनके ऊपर, वो क्या था, उनको इस बात की समझ ही नहीं आई. And they were lost and did not know what to do. और वो गुमराह हो गए, नहीं आ रही थी कि क्या करें. You know, many of us, when we get saved, we are in that same kind of position. हम में से बहुत सारे लोग जब बच जाते हैं तो फिर हम भी इसी तरह की किसी वक्त का शिकार हो जाते हैं. We've had this new creation experience through the rebirth. हम में भी ऐसा तजुर्बा होता है नई पैदाइश का. But we still don't understand what this is all about. लेकिन हम समझते नहीं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है. But when we come to Jesus, जब हम यीशु के पास आते हैं, I believe we experience the same thing that the disciples experienced here on the day of the day that they had the Holy Spirit breathed into them. मेरा ख्याल है कि मुझे भी वही खुशी है और वही तजुर्बा मुझे भी है जो उस वक्त शागिर्दों को हुआ होगा जब उन पे फूंके. There still needs to be an imparting of the power of the Holy Spirit, a release of that power. और लेकिन उनके अंदर दाखिल करना और उनको देना दे देना उन्होंने जो जिस तरीके से उसको रिसीव किया वो कुछ और था.
And it wasn't an easy thing for the disciples to receive. हाँ और ये शागिर्दों के लिए कुछ आसान बात नहीं थी उसको रिसीव करना. They had to sit in that upper room for 10 days. वो ऊपर के बालाखाने में 10 दिन तक बैठे रहे. You know, if we have to sit and wait for something for 1 hour, we get very upset. अगर हमें एक घंटा किसी के लिए बैठकर इंतजार करना पड़े तो हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं. But they were up there for 10 days. लेकिन वो उस बालाखाने में 10 दिन तक बैठे रहे. Waiting on the Lord. खुदावन का इंतजार करते रहे. Waiting to receive that power. उस कुवत का इंतजार करते रहे जो उन्हें मिलने को थी. Now, we are thankful that today we don't have to do that. आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें इतना इंतजार नहीं करना पड़ता. In fact, many times, हकीकत में बहुत मर्तबा, we can receive the baptism of the Holy Spirit shortly after we are saved. इस जैसे ही हम बचाए जाते हैं, हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, हमें फौरन ही पाकरू का तजर्बा हो जाता है. For some people, it takes longer, right? लेकिन कुछ लोगों को वक्त लगता है. For myself, when I was young, I was going to a church that didn't believe in the power of the Holy Spirit. मैं जब नौजवान था, मैं एक ऐसे चर्च में जाता था जिनका इत्तकाद ही नहीं था पाकरू की कुवत पर. So for a long time, I did not have the power of the Holy Spirit working in my life. So एक लंबे अरसे तक मुझे वो कुवत का तजर्बा ही नहीं था एक लंबी मुद्दत तक. But by studying the scriptures and seeing that God had something for us through the baptism of the Holy Spirit. लेकिन ये कलाम को पढ़ने के वसीले से मालूम हुआ कि खुदा ने हमारे लिए कुछ रखा है कि उसके कलाम में को पढ़ने से जो पाकरू की कुवत है वो हमें रिसीव होती है. And by praying and asking God, I received that gift. और फिर हम दुआ करते हैं खुदा को कहते हैं कि हमें वो गिफ्ट मिल गया है, ये नेमत हमें मिल गई है. And I could not do what I am doing today if I did not have the power of the Holy Spirit released in me. मैं कभी भी ये काम नहीं कर सकता जो मैं आज कर रहा हूँ. ये सब पाकरू की कुवत के वसीले से है. Paul tells us the importance of speaking in tongues. हमें सारे बताते रहते हैं कि जो जुबानों में बोलना जो है वो ही कुवत है. That's something I do an awful lot. Sorry? That's something I do often. हाँ, ये वही बात है जो मैं अक्सर करता हूँ. If I'm working around my home or I'm driving somewhere or I'm by myself somewhere, I'm always praying in tongues. मैं जब अपने घर में काम कर रहा हूँ या ड्राइव कर रहा होता हूँ या और कुछ कामों में मसरूफ होता हूँ तो मैं मुख्तलिफ जुबानों में बात करता हूँ. Because I know the power that is in there. क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनमें कुव्वत है, ताकत है. But of course, those who believe that the miracle healings and the power of the Holy Spirit was all done away with when we got the written scriptures, then they don't abide to that, right? हाँ, लेकिन कुछ लोग इस चीज का पर एतमाद रखते हैं. उनका यकीन इस बात पर है कि शिफा पाना और मुख्तलिफ मौजजात को हासिल करना ये सब पाकरू के वसीले से है, उसकी कुव्वत के वसीले से है. But if we are walking through this world and we do not have the power of the Holy Spirit, it's like walking through this world being a cripple. अगर हमें हम इस दुनिया में रह रहे हैं और हमें पाकरू का तजर्बा नहीं है, उसकी कुव्वत का तजर्बा नहीं है, तो फिर ये ऐसा ही है कि जैसे हम लंगड़ाते हुए इस दुनिया से चल रहे हैं इस दुनिया में. It's like being a soldier in an army that has no intelligence about what their enemy is doing. ये एक ऐसे फौजी की मानित है जो अपनी आर्मी में है और उसको कोई पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है अपने अपने रेजिमेंट के साथ चलने के लिए, मुझे किन चीजों की जरूरत है. In chapter 16 of John, Jesus gives us a clear understanding of the job of the Holy Spirit. सोलहवें बाब में, यूहन्ना की अंजील के सोलहवें बाब में खुदा यीशु मसीह ने हमें बड़ी क्लियर वाज़े तौर पर तालीम दी है पाकरू के बारे में. He's there to lead us to Jesus.
sorry. He's there to lead us to Jesus. वो वहाँ पर मौजूद है ताकि हमें यीशु के पास लेके जाए. He's there to teach us the word of God. वो वहाँ पर मौजूद है ताकि हम खुदा के कलाम को सीख He's सकें. He's there as a comforter and a help to us. वो हमें आराम देता है और वो हमें सिखाता है. But when we go through life not accepting the power of the Holy Spirit, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारते हैं कि पाक रूह को कबूल नहीं करते, then we are walking in a very difficult situation. तो फिर हम बड़ी मुश्किल में से गुजर रहे हैं. Because the Holy Spirit then is not able to help us to walk with the Lord and not able to show us the dangers that are in front of us. तो फिर ऐसा ही है कि पाक रूह तो हमें गाइड नहीं करेगा कि खुदा से दूरी के जो नुकसानात हैं वो क्या हैं और किस तरह से हम बच सकते हैं बुरे कामों से. You know, when we are listening to what God is saying to us through His Spirit, then we are walking in an informed way. जब खुदा हमें गाइड करता है और पाक रूह की रहनुमाई में हम चलते हैं तो फिर हम सीधा रास्ता अपनाते हैं. I can give you so many experiences where I have been going somewhere or go to do something and I just sense in my Holy Spirit, no, or in my spirit, no, that's, don't do this, don't go that way. मैं आपको अपनी जिंदगी से बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ जब मुझे पाक रूह की रहनुमाई मिली कि मैं किसी काम को करना चाहता हूँ या कहीं जाना चाहता हूँ और पाक रूह ने मुझे मना किया कि नहीं यहाँ मत जाओ ये मत करो. I remember one time I had a group of people with me and it was a Sunday morning, we were driving to a congregation. मुझे एक वक्त याद है जब मैं अपने लोगों के साथ था और एक मजमा था मेरे साथ और इतवार की सुबह थी. And we had to drive up over this mountain, and it was a big trip to get to this place. तो हमें एक जगह पहुंचना था और वो एक पहाड़ पर चढ़कर फिर दूसरी साइड पर उतरना था. But we came to a road, and I pulled over, stopped, and everybody says, "Pastor, what are you doing?" तो हम एक रोड से गुजर रहे थे और मैंने गाड़ी रोक दी और मुझे सारे लोग कहना शुरू हो गए कि पास्टर आप ये क्या कर रहे हैं. I said, we need to get out and just walk around and pray because I don't feel we're supposed to be going to this congregation today. मैंने कहा कि हमें सबको उतर जाना चाहिए और हमें इसके इर्द गिर्द इस रास्ते पर चलकर दुआ करनी चाहिए क्योंकि मुझसे आगे नहीं जाया जा रहा. Even though they were expecting us to come and everything was set up, I just felt we were not supposed to go. हत्ता के वो सब आए उन्होंने सब कुछ ठीक भी कर दिया लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें आगे बढ़ना चाहिए. So the team that was with me, they were all praying. They said, "Yes, no, we're not supposed to go." लेकिन जो टीम मेरे साथ थी उन सब ने कहा कि हाँ ये ठीक बात है कि हमें नहीं जाना चाहिए. Instead of going straight on this junction, we turned to the left. सीधा जाने की बजाय हमने अपना रास्ता मोड़ लिया और हम दूसरी तरफ को रुख कर लिया. And a few kilometers down this road, there was another church that we were looking after. और जब हमने कुछ आधा किलोमीटर आगे बढ़े तो कुछ दूर हमें एक और चर्च नजर आया जहां पर हमें इकट्ठे होना. So as we got close to that church, I felt we were supposed to stop and visit at that church. जैसे हम उस जगह के करीब बढ़े मुझे लगा कि यहाँ हमें रुक जाना चाहिए और यहाँ हमें अपना काम करना है. So we went in there. तब हम उसके अंदर गए. And we found the church was in total disarray. और फिर मुझे ऐसा लगा कि वो तो बिल्कुल एक गैर आबाद सा चर्च था. They were ready to split. They were going to split because there was a controversy amongst the people in the congregation. बहुत टूट-फूट थी और बहुत कलीसिया और पास्टर के दरमियान कुछ अच्छे हालात नहीं चल रहे थे. And that was the day they were going to separate and they were going to go separate ways. और फिर यही वो दिन था जब उन्होंने जुदा होना था और अपने अपने रास्ते इख्तियार करने थे. But we were able to sit down with them and to bring reconciliation between the members. तब हम उनके दरमियान बैठे और फिर हमने उनकी काउंसलिंग की उनके साथ बातचीत की. And so it went from a church that was at the brink of separation. तो फिर यही हमारा वो चर्च था जो बिल्कुल टूटने को तैयार था. They went to being a very strong congregation. Uh,
Hello. Hello, Angel. Yes, Pastor. So they went on to be a very strong congregation. तो वो लोग बहुत ही ताकतवर बातचीत करने लग गए. When we depend on the Holy Spirit, He will take us to where the need is. जब हम होली स्पिरिट के ऊपर डिपेंड होते हैं तो वो हमें रास्ता दिखाता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए. He will take us to where we can be the most effective. वो हमें वहां लेकर जाता है जहां पर हम लोग और ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं. We don't always understand these things, right? हम हमेशा ये चीजें नहीं समझ पाते. And I know the people where we were supposed to go that day, they were very disappointed that we didn't get there. और जहां हम लोग जा रहे थे जब हम लोग वहां नहीं पहुंचे तब वो लोग जो वहां जाना चाहते थे वो बहुत सैड हो गए, वो बहुत परेशान हो गए कि हम लोग वहां क्यों नहीं गए. But because we listened to the Holy Spirit, that congregation was saved from a terrible situation. लेकिन हमने रूल कुदस की जो लीड थी उसको फॉलो किया और जो बहुत बुरा होने वाला था वो बुरा होने से बच गया. And that's one of many, many, many different stories that my wife and I have had. और ये उन मुख्तलिफ स्टोरीज में से एक स्टोरी है जो मैंने और मेरी वाइफ ने साथ की है. Where the Lord has guided and directed us in what to do and what to say. जहां पर खुदा ने हमें गाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए और कहां पर जाना चाहिए. You know, none of us are perfect. We still have this flesh we have to deal with, right? हम में से कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है क्योंकि हम लोगों के पास अभी भी ये जिस्म है और हमें इससे डील करना है. But without the Holy Spirit guiding us and having the power of the Holy Spirit in us, we are walking around blind. लेकिन जब हमारे पास होली स्पिरिट नहीं होता तो हम लोग अंधों की तरह चलते हैं. This is why this was such an important thing to Jesus that his disciples do this. और ये बहुत जरूरी चीज थी कि जो खुदावन यीशु मसीह चाहते थे कि उनके शागिर्द करें. So my understanding is the receiving of the Holy Spirit and the baptism of the Holy Spirit is two different things. तो मेरा ये मानना है कि रूल कुदस का बपतिस्मा अलग चीज है और रूल कुदस को पाना अलग चीज है. We receive the Holy Spirit when we are saved. हम होली स्पिरिट तब अपने आप में रिसीव करते हैं जब हम लोग बच चुके होते हैं. I have no doubt about that. और मुझे कोई शक नहीं इस बारे में. But it's not until we receive the baptism of the Holy Spirit that the power of the Holy Spirit is released in us. लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है कि रूल कुदस की ताकत हम आए जब तक हम रूल कुदस का बपतिस्मा नहीं ले लेते. So you can think about it for yourself. आप इसके बारे में खुद भी सोच सकते हैं. Is the power of the Holy Spirit working in you? क्या रूल कुदस की ताकत आपके अंदर काम कर रही है? Now, we can go to an extreme here. हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं यहाँ पे. And I know people that all they do is talk about the Holy Spirit and it's like they only worship the Holy Spirit. और मैंने कुछ लोग देखे हैं जो सिर्फ रूल कुदस को वर्शिप करते हैं, उसको ही ज्यादातर वर्शिप करते हैं. That's not right either, right? और वो भी सही नहीं है. The Holy Spirit is there to lead us to Jesus. क्योंकि रूल कुदस वहां यहां पर इसलिए ताकि रूल कुदस हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास ले जा सके. Jesus leads us to the Father. और खुदावंद यीशु मसीह हमें बाप के पास लेकर जाते हैं. We need to be worshiping all the Father, Son, and the Holy Spirit, right? हमें तीनों चीजों को वर्शिप करना चाहिए, बाप को भी, बेटे को भी और रूल कुदस को भी. Put it all in proper perspective. क्योंकि इन तीनों के अलग अलग मुकाम है और अपनी अपनी जगह है. So if you have not been baptized by the Holy Spirit, अगर आप लोग अभी तक रूल कुदस का बपतिस्मा नहीं पाया आप लोगों ने, I really suggest that you pray about that and that you talk to the Lord about it. मैं ये कहना चाहूंगा कि आप खुदावंद से इस बारे में दुआ करें और उससे इस बारे में बात करें. I know oftentimes people will do an altar call and say, come and receive the Holy Spirit.
मैं जानता हूँ कि काफी लोग जो हैं वो अल्तार पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि इधर आओ और रुकुदस हासिल करो. But the scripture is clear. It says, if you ask God for the Holy Spirit, you will receive it. लेकिन जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो ये जाहिर है कि जब हम खुदा यीशु मसीह से और अपने खुदा से रूह कुदस मांगते हैं तो वो हमें मुहैया करता है. So whenever I'm at a place and I'm talking about the Holy Spirit and I ask people, do you want to receive the Holy Spirit? तो मैं जब भी किसी जगह पर खड़ा होता हूँ और जब भी मैं रूह कुदस के बारे में बात करता हूँ और जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप लोगों को रूह कुदस चाहिए है, I will have them come to the front. मैं उनको आगे बुलाता हूँ. But I do not pray for them. I tell them, you pray and ask God to receive the Holy Spirit. मैं उनके लिए दुआ नहीं करता बल्कि मैं उनको कहता हूँ कि वो खुदा से दुआ करें कि वो उनको रूह कुदस दें. Then I pray in agreement with them. और मैं उनके एग्रीमेंट से उनके लिए दुआ करता हूँ. Amen. Because आमीन. this is how we receive the Holy Spirit. क्योंकि यही वो तरीका है जिस तरीके से हम रूह कुदस हासिल करते हैं. So even you today, तो आप भी आज you can receive the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, if you've not received it. आप भी रूह कुदस पा सकते हैं. आप भी रूह कुदस का बपतिस्मा पा सकते हैं आज ही अगर आपके पास नहीं है. You can pray and ask God and say, I want to receive the baptism of the Holy Spirit. आप लोग खुदा से दुआ कर सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि मैं भी रूह कुदस का बपतिस्मा पाना चाहता हूँ. Look at the importance this was to Jesus with the disciples. हम यहाँ पर वो जरूरत देखेंगे जो खुदा यीशु मसीह चाहते थे कि शागिर्दों के पास हो. He said, Do not leave Jerusalem until you receive the power from the Holy Spirit. वो अपने शागिर्दों से कहते हैं कि यरूशलम की तरफ मत जाना जब तक तुम लोगों को रूह कुदस ना मिले. He's stressing to them the importance of this, right? वो रूह कुदस की अहमियत उनको बयान कर रहा है. And he's showing us the importance of this by having them wait in that upper room, 120 people, for 10 days. और वो हमें भी उसके इम्पोर्टेंस बता रहा है ये दिखाकर के उधर बहुत सारे लोग हैं और वो तब भी इंतजार कर रहे हैं रूह कुदस का. I think he had them do that to show us the importance of this and how we need to be serious about this. और मुझे लगता है कि वो सब कुछ यीशु मसीह ने इसलिए किया ताकि वो हमें बता सकें कि ये कितना जरूरी है हमारे लिए कि हम लोग उसको वेट करें और फिर उसको हासिल करें. So I'm just going to pray for you now. और मैं भी आप सबके लिए दुआ करना चाहूंगा. And I'm just going to pray and ask the Lord just to touch your heart. और मैं खुदावंत से दुआ करूंगा कि वो आप लोगों के दिलों को छुए And give you a desire for the power of the Holy Spirit. और आप लोगों के दिल में एक रूह कुदस की दिलचस्पी बहाल करें. If you already have the power of the Holy Spirit, अगर आपके पास पहले से ही रूह कुदस की ताकत है then we're going to pray that it will be even released even more. तो हम लोग ये दुआ करेंगे कि वो पहले से भी बहुत ज्यादा हो जाए. So put your hands up to God. अपने हाथ खुदावन की तरफ बढ़ाइए. Let me pray. Father, we thank you for each one here today. Can you translate angel, please? Okay. Father, we thank you. We thank you for each one here today. ऐ बाप, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ जो यहाँ पर आज मौजूद हैं. We thank you for the power of the baptism of the Holy Spirit. हम रूह कुदस के बपतिस्मे की ताकत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं. I pray, Father, that you would work on each of our hearts to desire more of your Spirit. मैं दुआ करता हूँ कि हम लोगों में वो दिलचस्पी अदा कर, हमारे दिलों में वो दिलचस्पी बहाल कर कि हम लोग भी तेरे से रूह कुदस मांगने वाले हों. And to desire more of the power of the Holy Spirit. ताकि हम लोग और रूह कुदस की ताकत तेरे से मांगें. Father, show us in our heart how important this is. हमें हमारे दिलों में दिखा कि ये कितना जरूरी है. And Father, any who have not received, we just pray that they would receive this in Jesus' name. और जिनके पास नहीं है वो भी दुआ करते हैं कि तू उन्हें भी रूह कुदस की ताकत ताकर तो तू उन्हें भी दे.
And for any of us who have received the power of the Holy Spirit, Father, we pray that it would be released even more in our life. और हम में से जिनके पास पहले से ही वो ताकत है, मैं बाप में दुआ करता हूँ कि उनके पास पहले से भी ज्यादा ताकत हो। That Holy Spirit, you would guide and direct us in everything that we do. ताकि रूह कुदस हमें रास्ता दिखाए जो भी हम करें उसमें। That our life would bring honor and glory to our Father in heaven. ताकि हमारा जो हमारी जिंदगी है वो खुदावन के नाम में इज्जत और जलाल सारा खुदावन यीशु मसीह को दे। In Jesus' mighty name we pray. खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। Amen. आमीन। Brother Frugal, Amen. Over to you. Amin, amin, amin. God bless you. Thank you so much, Pastor. Very wonderful sermon. God bless you. Thank you, Pastor. God bless you. शुक्रगुजारी करते हैं इस्लाम के लिए जो खुदा के खादिम ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हम तक पहुंचाया। We thank God for this wonderful message that God's Son have provided us and teach us. अगर आप वाकई रूह कुदस के भूखे और प्यासे हैं तो आज वक्त है कि अपने आप को खुदा के हुजूर में अंडेल दें, झुक जाएं। If you are really hungry and thirsty for the Spirit of God, then this is the time so that you can go into the presence of God. खुदा के पाकरू से कहें कि खुदा पाकरू मैं अपने आप को खाली करता हूँ तो मुझे भर दे। And ask, tell the Spirit of God that I am going to empty myself so that you can fill your spirit in me. और यकीनन खुदा का पाक रूह आज रात ही आपको रूह का मसा देगा। And I'm sure that God will give you the Holy Spirit today night. Amen. Amen. मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर स्टीवर्ट से कि वो सारी प्रेयर के लिए दुआ करें और पास्टर फी के लिए दुआ करें। I request Pastor Stewart to pray for the prayer request in the chat box and also for Pastor Rafiq. वो जितने लोग थाईलैंड में रिफ्यूजी हैं, साइलम सीकर हैं उनके लिए। And for the people who are in Thailand who are asylum seekers and refugees. ताकि खुदा उनकी जरूरियात को आसमान से मुहैया करे। So that God can provide them from the heaven. Amen. हम खुदा के खादिम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। We will pray with the Son of God. Father, we thank you for this day. We thank you for each one that is here. We thank you, Father, that you are our provider. Father, we pray especially for Pastor Rafiq in jail, Lord, that you would be a comfort to him. And even more than a comfort, Lord, that his light would shine in that place, overcoming the darkness, and that many people would come to know you through the time that he is there in that prison. Father, we thank you that you are working things out. We pray, Father, that he will quickly be released, even faster than the 3 months that has been predicted. Father, we thank you for this. And Lord, we just pray for those who are sick. There's this one man's wife who has a high fever. Father, we just pray that you would just touch her. We rebuke that fever right now in Jesus' name. You have no right to be here. You're trespassing on holy ground. So we just pray complete healing over this lady right now. Father, for any who are suffering, Father, we pray for them. Any who are struggling, financial, struggling to even have something to eat, Father, we just pray for them. We know the struggles of those who are seeking asylum in Thailand. Father, just be with them and strengthen them. Father, we know that you are able to provide for them in a way that is meaningful to their life. So, Father, we not only pray that you would provide food for them, but we pray that you would provide employment for them. We pray that you would help them so that they can help their families. And we just thank you so much for that, Lord. Father, just be with each one that is here today. What a blessing it is to be with each one. Father, may you go with them. And we ask you, Holy Spirit, to continue
to release your power on each one of us. We can never have too much of your power released in us. So we ask you just to continue to release your power in us, just as you did on the day of Pentecost with the disciples in the upper room. We thank you for this day. Thank you for this time we have together. We do not count this thing lightly. We thank you for what you are doing. In Jesus' name, amen. 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 हम सब वही दुआ करेंगे जो यीशु जी ने अपने शिष्यों को बताई. हम सब मिलके गाएंगे. हमारे बाप जो आसमान में नाम पाक माना जाए, बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान जो कोई होती है जमीन पर हमारे रोज की आज हमसे हम अपने कर्तव्य को माफ करते हैं तुम्हारे कर्तव्य में माफ कर माइश न ला बल्कि भाई से बादशाह कुदरत इरादा हमेशा कल मैं बरकात हम पास्टर साहब के साथ मिलकर दा करेंगे. हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रिफा को दिखाकर आजमात के साथ और कलीसिया के साथ खुदा का फजल आपसे लेकर हमेशा तक होता रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू. खुदा हम आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे. खुदा की सलाम. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. आज हमारे साथ नई फैमिली है. गॉड ब्लेस यू ऑल. क्या बता सकते हैं जो जो लोग नदब के नाम से हैं वो. जी जी भाई से बात की थी. समझ नहीं आई मुझे. आप कहाँ से हैं सिस्टर. मुल्तान. बोलो. मुल्तान से. ओके. और एक और बहन थी. जी जी मैं बाजी नौशी. ओके ओके बाजी. ओके पूरा नाम बताएं आप. नौशी ने दिया आपको बरकत दे. अपना बता दिया करें आप ताकि हमें पता हो कि कौन है यहाँ पे. नहीं हमें तो साल हो गया अब तो. गॉड ब्लेस यू एवरीवन. खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और अपना आसमान खोल के रखे आपके लिए. बाप को भी भाई बनकर दे. ओके गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. ब्लेसिंग एवरीवन. यू आर वेलकम. पास्टर गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू पास्टर फ्रॉम एंड थैंक यू एंड थैंक यू. गॉड ब्लेस यू एवरीवन. गॉड ब्लेस यू. भाजी गॉड ब्लेस यू. Bye.